प्रभावी कानून व्यवस्था सुशासन के महत्व को रेखांकित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री संदीप यादव जी को, सेक्रेटरी एविएशन और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके प्रोग्रेसिव सोच में हमारा ये पहला और बहुत ही सफल पहला रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। और स्वागत इसके साथ हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम तेटवाल जी का, मध्य प्रदेश शासन, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और मैं निवेदन करती हूँ श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से, एमडी एमपीआईडीसी, की वह माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और दिव्य सज्जनों, इन दो दिनों में हम अनेक सेक्टोरल सेशंस के माध्यम से और इनॉग्रल सेशन में भी B2B सेशंस जो हमारे होते आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो 1-to-1 मीटिंग्स हुई हैं, उन सभी में गहन चर्चाएं हुई हैं, संकल्प प्रतिबद्धताएं सामने रखी गई हैं। और इन्हें अब समाहित करते हुए की हाइलाइट्स को प्रस्तुत करते हैं। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPP, इवेंट रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए। जय श्री महाकाल। एक संस्कृत के श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मित्रों, मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन में मैं स्वागत करता हूँ माननीय भारत सरकार के विधि मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री गौतम टेटवाल साहब, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बिजनेस ग्रुप के बिजनेस लीडर्स, और हॉल में उपस्थित हमारे देवी और सज्जनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का परिणाम है। और मुझे फिर संस्कृत की एक दूसरा श्लोक मैं उद्धृत करूंगा, और श्लोक इस तरह से है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारायण न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, केवल मनोरथ करना या मन में केवल वांछना रखना पर्याप्त नहीं होता। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्यमशीलता, उनके लगन, उनकी दूरदृष्टि और निर्णायक कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है कि इस कार्यक्रम को हम लोग इतना शीघ्र, इतना जल्दी और इतने बढ़िया ढंग से आयोजित आप सभी के सहयोग से कर पाए। मैं एक बात और उद्धृत करके मैं फिर रिपोर्ट कार्ड पे आ जाऊंगा कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच है कि हम बैठे हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हैं, और इसी बीच में आम जन के हितार्थ, एक गरीब आदमी, अंत्योदय, जो समाज की अंतिम पंक्ति के लिए खड़े आदमी के लिए आज एयर एम्बुलेंस सेवा का भी उद्घाटन। तो आप देखें कि एक तरफ कहां हम बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ चर्चा विचार विमर्श में हैं, और साथ में उसी तरह से एक आम आदमी को भी वो सुविधाएं मिलें। और मुझे आज सुबह एक डिस्कशन में यह कहने में बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा था कि ऐसी सुविधाएं जो हम नॉर्वे जैसे देशों में सुना करते थे कि एयरलिफ्ट किया गया पेशेंट को, और उस तरह की सुविधाएं हम मध्य प्रदेश में देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और अपनी बात को आगे रखता हूं। मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम में 4,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कराया, 12 देशों की इसमें पार्टिसिपेशन हुई, उनके काउंसुलेट जनरल, उनके हाई कमीशन्स और उनके एम्बेसडर्स के ऑफिस से लोगों ने यहाँ पे, उनके यहाँ के व्यवसायियों ने यहाँ पे कांटेक्ट किए और यहाँ पार्टिसिपेट किया। USA से, UK से, कनाडा से, फिजी से, जर्मनी, गेबॉन, इज़राइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जाम्बिया, मलेशिया,
इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हमने बायर सेलर्स के पार्टिसिपेशन और उनकी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की, और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि करीब 3700 से ज्यादा बायर सेलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनके बीच में आपस में ही करीब 2100 से ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस B2B मीटिंग्स संचालित की गई और बिजनेस को और आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। एक अर्थों में एक यह बहुत ही विशेष, जैसे कहते हैं कि अनुभूति लेकर आता है, और साथ में हमें यह भी दिखाता है कि काम को कैसे करना है और कितनी तेजी से करना है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि पहली बार इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के थ्रू हमने 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कल आपने देखा जिसमें 21 जगहों पे हमने कार्यक्रम किए, क्षेत्रीय कार्यक्रम 21 जगहों पे किए और सब ऑनलाइन और वर्चुअल यहां से कार्यक्रम किए गए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा, जो कल इकाइयों का उद्घाटन हुआ और 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी चीज। और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन दिया कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, बातें कम काम, खाली स्थान उन्होंने छोड़ दिया, तो ये हम सबके लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है तो उस मार्गदर्शन का ही प्रतीक है। एक और जो बड़ी विशेषता है जो पावर इन्वेस्टर समिट में आप लोगों ने नहीं पाई होगी, करीब 283 वृहद और MSME की इकाइयों को 12,170 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 1250 एकड़ जमीन उनको आवंटित की गई। यह भी पहली बार आपको देखने में इस तरह का मिला होगा कि बातें नहीं, सीधे या तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज फैक्ट्रीज की, या फिर उसमें उसको लोकार्पित करने का कार्यक्रम, या फिर उनको जमीनों का आवंटन का कार्यक्रम, ये सारा कुछ कल के कार्यक्रम में आपने देखा और इस कार्यक्रम के तहत हुआ है। हमने यह भी देखा विशेषता कि एक देश के और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक अदानी समूह ने कल 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का मध्य प्रदेश में घोषणा की, और यह इतनी बड़ी घोषणा है कि जिसे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की GSDP पे बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको समूह ने विक्रम उद्योग पर उज्जैन में करीब 1250 करोड़ रुपए के निवेश का, जिससे कि 500 रोजगार के सृजन का अवसर प्राप्त होगा, वो कल अनाउंस किया है। हमने इसके साथ एक और, जैसे कहते हैं ना कि हम बातें करने नहीं काम करने में विश्वास रखेंगे, इस धारणा पर अमल करते हुए LNTI माइंड ट्री ने कल एक MOU पे हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किए, जिसमें उनको सुपर कॉरिडोर पे 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई, वो 500 करोड़ का निवेश करेंगे और इस निवेश से 10,000 IT सेक्टर के रोजगार सृजित होंगे, जो मध्य प्रदेश के बच्चों को, मध्य प्रदेश के हमारे IT सेक्टर के बच्चों को मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने समय का लगातार सदुपयोग करते हुए कल से लेके आज तक 20 से अधिक औद्योगिक समूहों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं DIP IP की तरफ से, और इनमें 17,000 करोड़ के निवेश की संभावनाएं परिलक्षित की गई और जिसके ऊपर विचार विमर्श करके आगे कार्य किया जाना है। 880 इकाइयों के ने विभिन्न क्षेत्रों में, और इस खबर को जरूर ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा कि 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश की इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा का माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से शुभारंभ करेंगे, और यह अपने आप में पूरे देश के लिए सबसे नया और सबसे एक एम्बिशियस मतलब प्रोग्राम होगा, जिसमें गरीब आदमी एम्बुलेंस की सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। कंक्लेव में जो 2 दिन का हुआ है, इसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना जैसे विविध निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया गया। हमने कल देखा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसकी एक डायरेक्टरी और उसके उत्पादों का निर्यात और उसका घरेलू व्यापार कैसे बढ़े,
कैसे इस चीज को और आगे बढ़ाएं, इस चीज के लिए कल हमने प्रयास किए। जैसा मैंने बताया कि 2500 से अधिक बायोसेलर्स की मीटिंग्स भी हुई, हमने 3 प्रदर्शनियां भी स्थापित यहां पे की, जो कि हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, 16 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उसके बारे में हमने उसमें देखा, और मध्य प्रदेश की नीतियां उनका प्रदर्शन उसमें किया गया। 2 दिनों के अंदर 5 क्षेत्रीय सत्र भी हमने आयोजित किए, जो कि एमएसएमई और स्टार्टअप के ऊपर थे, मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर, जो कि डेयरी में, एग्रो में, खाद्य प्रसंस्करण में, मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास में निवेश के अवसर, धार्मिक पर्यटन, फार्मा मेडिकल डिवाइसेस और उनकी चुनौती, इन सब विषयों पे हमने यहाँ पे क्षेत्रीय सत्र भी आयोजित किए। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों का अपने विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ 2 दिन के इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों के साथ भागीदारी की। मैं पुनः एक बार माननीय मंच और सदन में उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रेस मीडिया के भी जो साथी हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार कवरेज दिया, और मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, पर हिंदुस्तान का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इस कार्यक्रम की झलक या इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा नहीं की गई है। और सबके बाद मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ हो पाया है, यह पुनः महाकाल के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद के बिना शायद कुछ नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ये रिपोर्ट कार्ड देने का। और दिव्य सज्जनों, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने कहा कि एक बहुत ही जोश और उत्साह और उमंग रहा इन 2 दिनों में, और बढ़ चढ़कर लोगों ने निवेश करने की अपनी रुचि यहां पर जाहिर की, और जबकि ये समापन सत्र है तब भी वे जोश और उत्साह बना हुआ है, और हमारे अन्य प्रमुख उद्योगपतियों ने भी यहां पर निवेश करने की अपनी एक रुचि, एक प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो उन्हें अब मैं आमंत्रित करती हूं, श्री दिनेश पाटीदार, मैनेजिंग डायरेक्टर शक्ति पंप्स। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय अर्जुन, हमारे केंद्रीय से राज्य मंत्री पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां 2 दिन से मैं देख रहा हूं, उनकी कड़ी मेहनत और कड़ी दूरदृष्टि से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा प्रदेश आगे की ओर बढ़ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कठोर मेहनत कर रहे हैं। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जो 2 महीनों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां हमें दिखाया है, एक तो सुबह की सर हमारी जो मॉर्निंग वॉक है वो आपने शांति प्रिय कर दी है, जो कि 50,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर से हमको सुबह 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 जय। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 2 महीनों में आपने जो प्रयास किए हैं उससे, चूंकि मैं गांव से आता हूं और एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे गांव से कुछ फीडबैक मिला है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरे किसान भाई और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब अब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मोदी जी का सपना साकार करने के लिए एकदम तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाएं। मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया मध्य प्रदेश में, शक्ति पंप्स के नाम से, बहुत छोटी 5 लाख रुपए की इंडस्ट्री थी 1982 में। आज हम दुनिया के 100 देशों से ज्यादा में एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएसए और यूरोप में और दुबई में हमारी कंपनी है जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
5000 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं और भी आगे हम रोजगार देने के लिए प्रदेश में तैयार हैं। प्रदेश में 10 हमारी इकाइयां हैं जो प्रोडक्शन कर रही है। मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम पर्यावरण के लिए भी देश में काम कर रहे हैं। सोलर पंपिंग सिस्टम में हम हिंदुस्तान में लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कुसुम स्कीम है सोलर पंपिंग सिस्टम, उसमें हम हिंदुस्तान में लीडर हैं और वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हमारे राज्य मंत्री जी ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे पीएस जो राघवन सिंह जी हैं, बहुत ही यंग दिखने वाले हमारे जो ऑफिसर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब लोगों का खूब सारा धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये काम और उनके विकास का जो दृष्टिकोण है उसमें विश्वास ही आपके शब्द और आप सभी की तालियां वो उन्हें व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजीत कुमार जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर इपका लेबोरेटरीज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री श्री मोहन अर्जुन जी मेघवाल जी, एमपी आईडीसी के पदाधिकारी, उपस्थित इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जो सभा में मौजूद हैं, मैं हम सबका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश में करीब 4 डिकेड से हैं। जब हमारी साइज 8-10 करोड़ की टर्नओवर साइज से थे, उस टाइम से हम मध्य प्रदेश में आए हैं और अभी हमारी साइज ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में हम 7 यूनिट्स चलाते हैं और मध्य प्रदेश से हमारा एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1000 करोड़ के ऊपर का है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमने बात की है कि हम अगले 2 सालों में यहां पे ऑलमोस्ट अराउंड 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उसके अंदर एक बायोसिमिलर की यूनिट जो मध्य प्रदेश में पहली यूनिट होगी मोनोकलर एंटीबॉडी की, वो हमारी उसका अभी काम चल रहा है। अक्टूबर में हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे और एक दूसरी फॉर्मुलेशन यूनिट देवास में हमारी लग रही है, उसमें भी करीब 350 से 400 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी हमारा एक्सपांशन चल रहा है। विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है विजनरी लीडरशिप की, जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। और पिछले 15-20 सालों में जो एक बीमारू प्रदेश था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डबल इंजन की सरकार आने के साथ में यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त वृद्धि हुई है और आज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी प्रदेश से कम नहीं है। दूसरी चीज जो लगती है प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, तो हमारा जो इंटरेक्शन जो मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में से होता है तो हमको किसी भी चीज की कमी नहीं लगती है और हमने हमेशा देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव है। आप किसी भी समस्या को लेकर जाइए, समाधान बहुत क्विकली मिलता है। तीसरा लगता है एजुकेशन और आपको ट्रेंड मैन पावर। तो मध्य प्रदेश के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत काम हो रहा है। यू हैव ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल टू रन द इंडस्ट्री। तो उस तरह की सारी चीजें और वेदर जमीन का अलॉटमेंट हो, पावर की अवेलेबिलिटी हो, उन चीजों में मध्य प्रदेश किसी चीज में कम नहीं है। तो टाइम फॉर मध्य प्रदेश हैज कम एंड अंडर विजनरी लीडरशिप, करंट विजनरी लीडरशिप, मध्य प्रदेश इज बाउंड टू ग्रो लीप एंड बाउंड। माय ऑल द बेस्ट विशेस टू मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रोत्साहित करने का, मध्य प्रदेश में निवेश करने का। और जैसे आपने कहा, यही समय है और सही समय है यहां पर अपना निवेश करने का। और Ladies and gentlemen, under the very progressive leadership and futuristic thinking of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, the Madhya Pradesh government is taking a very proactive approach, a very holistic approach, and then anticipating and adapting to the ever-evolving changes of the future. It is moving ahead towards becoming now a future-ready state. Towards that, I would like to now invite the views and the address on Madhya Pradesh, the future-ready state, a way forward,
एंड फॉर दैट आई इनवाइट श्री पी नरहरी रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई कमिश्नर एमएसएमई एंड द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर फॉर हिज एड्रेस. दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन के समापन समारोह में इस कार्यक्रम में हमारे सम्मुख उपस्थित परम सम्माननीय हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके सोच और जिनके विचार मूर्त लेते हुए आज यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन के साथ ही इसका समापन हो रहा है. माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय श्री गौतम टेटवाल जी हमारे मध्यप्रदेश शासन के मंत्री महोदय, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय श्री मोहम्मद सुलेमान जी, राघवेंद्र सर जी, संदीप यादव जी और सभी महानुभाव, और इस प्रांगण में उपस्थित सभी इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग लिए हुए सभी महानुभाव, दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव के इस समापन के अवसर पर हमारे प्रमुख सचिव आईपीआईपी ने बताया कि किस तरह से इन दो दिवसों में किस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया है. इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी हमारे इंटरैक्शंस हुए हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से, जो अलग अलग सेक्टोरल सेशंस हुए हैं जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप से संबंधित, फूड और डेयरी सेशन से संबंधित, रिलीजियस टूरिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, इन तमाम सेशंस के अंतर्गत जो भी आप में से महानुभाव हमारे सेशंस के प्रतिनिधित्व किए, सेशंस में पैनलिस्ट के रूप में बैठे, इसमें आपने अपने विचार के साथ ही जो सुझाव आपके माध्यम से इन सेशनों से हमको प्राप्त हुए हैं, हम आगामी समय में इन तमाम सुझावों पर काम करेंगे. आपके जो भी ऐसे समस्याएं रही हैं उनका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे. इस कॉन्क्लेव में हमको बहुत सारे ऐसे विषय वस्तुओं के संदर्भ में जो समस्याएं सुझाव मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित है और हम विभागों के माध्यम से भी आप लोगों से जब इंटरेक्ट कर रहे थे हमने यही बात कही है और फिर से हम ये दोहराना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पॉलिसीज हैं इंडस्ट्री लगाने से संबंधित, जमीन आवंटन से संबंधित, सब्सिडियों से संबंधित या किसी अन्य विषयों से भी संबंधित, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो पॉलिसीज हैं ये पत्थर पे लिखे हुए लकीरें नहीं हैं, ये डायनामिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सुझावों के आधार पर हम समय समय पर सुधारेंगे और उस हिसाब से हम आपके सुझावों के आधार पर हमारे पॉलिसीज को सुधारते हुए और बेहतर निवेश कैसे करें उसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे. यहां पे बहुत सारे इन सेशंस के माध्यम से जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए हैं और इसके साथ ही आप लोगों ने हमसे और भविष्य में इंटरेक्ट करने के लिए भी, हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए भी आपने अपना प्रस्ताव रखा है, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे उन तमाम विभाग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, हम आपके ईमेल आईडी हमने प्राप्त किया है, आपके कॉन्टेक्ट हमारे पास आ गए, हम आपसे संपर्क करेंगे, हम आपको मेल करेंगे, हम आपके जो भी इश्यूज हैं उसको समाधान करने के लिए भी आगे आपके साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन करते रहेंगे. मैं इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय जरूर यहां पे बताना चाहूंगा और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इस बात को रखूंगा कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में यहां के बहुत सारे युवाओं ने बहुत रुचि दिखाई है और उज्जैन डिवीजन में अभी वर्तमान में 208 ऐसे रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें से एक स्टार्टअप के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा जो आगे चलकर अभी वर्तमान में महाकाल के नगरी उज्जैन में और भविष्य में जो हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होना है. अमन करके एक लड़का है जिन्होंने पंडित जी.in करके एक ऐसा स्टार्टअप प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से जिस किसी को भी काल सर्प दोष पूजा, मंगल दोष पूजा, इस तरह के पूजा कराना चाहते हैं दुनिया में कहीं पर भी हो, वो पंडित जी.in के माध्यम से ऐसे पुजारियों से कनेक्ट करेंगे
जो आपके इन तमाम दोषों के लिए, दोष निवारण के लिए वो आपसे कनेक्ट करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि कितना अच्छा आइडिया है स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इस तरह के गतिविधियां करना। यही नहीं, बहुत सारे युवाओं ने यह भी रुचि दिखाया कि आपको पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, आपको उज्जैन में होम स्टेज के लिए जो आवश्यकता है, आपके वाहनों को रुकवाने के लिए पार्किंग स्पेसेस की जो आवश्यकता है, इसके लिए जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी ऐसे स्टार्टअप्स हमारे युवा यहां प्रारंभ करने के लिए इच्छुक है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है इस रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से जो उभर कर आए हैं कि स्टार्टअप्स हो या फिर उद्योग लगाना हो, इन तमाम ऐसे जितने भी रुचि आपने दिखाया उन सबको साकार करने के लिए हमारे सभी विभाग मिलकर काम करेंगे और आगे चलकर ये प्रयास करेंगे कि इस तरह के रीजनल कॉन्क्लेव्स के माध्यम से हम और बेहतर काम कैसे करें, बेहतर इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। पुनः आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमको आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, आप हमको ज्ञान वर्जित भी किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील व जन कल्याणकारी आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संवेदनशील व जीवन रक्षक सेवा मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक प्रभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। इस हेलीकॉप्टर और विमान में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और पैरामेडिक की एक टीम होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, और देवी सज्जनों, इस सेवा का नाम प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा अब है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। तो पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का यहां पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा, और यहां पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा हेलीकॉप्टर, जो हेली एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको बताया अभी ये टेक ऑफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईकेज एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरो मेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। ये अनूठी सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों पर एयरलिफ्ट करेगी। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर पुनः ईंधन भरकर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है, तथा फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान राज्य के सभी मौजूदा हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों से 24 घंटे जुड़ा रहेगा। भोपाल स्थित कमांड सेंटर से संचालित मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों से जुड़ी होगी। साथ ही एयर एम्बुलेंस आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाएगी व आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद के
उच्च चिकित्सा केंद्रों पर हवाई मार्ग से ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से प्रारंभ हुई इस संवेदनशील व जीवन रक्षक सेवा के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही हृदय, श्वसन एवं न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में तीव्र चिकित्सा प्रदाय, नवजात एवं उच्च जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों तथा दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ये सेवा प्रदेश के लिए जीवन रक्षक वरदान सिद्ध होगी। और देवी सज्जनों, ये जीवन रक्षक सेवा अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब इसका नाम पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा होगा। तो और अब मैं हमारे सम्मानित अतिथि, हमारे विशेष अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय, संस्कृति एवं संसदीय कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, इस कार्यक्रम के तहत मंच पर उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जा से ओतप्रोत और नवाचार करने में माहिर ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका हम अभी जो आपने कार्यक्रम जो किया है वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे चैतन्य कश्यप जी और गौतम टेटवाल जी, हमारे आनंद बांगड़ साहब जो मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, अलवालिया जी, दिनेश पाटीदार जी, सभी सम्मानित मंच को मैं नमस्कार करता हुआ, जो इस सभागार में बैठे हुए उनको भी प्रणाम करता हुआ, मीडिया के साथियों को भी नमस्कार करता हुआ मेरी बात प्रारंभ करता हूं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है उद्योगपतियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, कि वो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे उज्जैन जो महाकाल के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो लोग जब यहां आए तो जय महाकाल के दर्शन भी करें और अपने इन्वेस्टमेंट करके यहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी अवसर पैदा करें, इसके लिए ये मीट है। इस मीट का पर्पज एक ही है कि कैसे यहां इन्वेस्टमेंट आए, कैसे ये क्षेत्र आगे बढ़े, उज्जैन के आसपास जो हमारा रिसोर्सेज है उसको हम फिनिश गुड में बदल करके कैसे देश के दूसरे भागों में पहुंचाएं, कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, ये सारे उद्देश्य आज के मीट के हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम एक इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री के कालखंड है, ये चार कालखंड लोग मानते हैं, जो इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझते हैं, वो चार कालखंड मानते हैं। एक हुई तब स्टीम का आविष्कार हुआ, तब शुरू हुई, और हम स्टीम के आविष्कार को लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको व्याख्या की है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे स्टीम के आविष्कार से जब देखा कि मानव
औजार उपकरण का प्रयोग करके और अपना व्यापार बढ़ाता है तो तेजी से समुद्री व्यापार बढ़ा तो उसको बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री 0.10 कहा। लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद एक बहुत ऐसी क्रांति आई जिसको हमने भी महसूस किया, समुद्र के किनारे रहने वालों ने स्टीम को महसूस किया, हमने महसूस किया बिजली को। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो बहुत से फैक्ट्री के पुर्जे बिजली से चलने लगे तो लोगों ने कहा यह भी एक क्रांति है, तो उसका नाम दिया इंडस्ट्री 2.0। और वो भी पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया, इवन भारत भी अछूता नहीं रहा और यहां उसको इंडस्ट्री 2.0 में हम चलते रहे। फिर एक तेजी से एक क्रांति आई और पूरे संसार में आई, उसका नाम है आईटी। तो पहले स्टीम ने क्रांति की, फिर बिजली ने क्रांति की, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की, कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा शायद रोजगार कम हो जाएंगे, ऐसा विषय भी आया। लेकिन कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना अब जीवन जी नहीं सकते, ऐसा महसूस हो रहा। अगर ये आईटी की क्रांति नहीं होती तो रेलवे रिजर्वेशन पे हमें खिड़की पे जाके ही रिजर्वेशन कराना पड़ता, आज तो हम घर बैठे रिजर्वेशन करा लेते हैं। ये सब आईटी, तो इसको रणनीतिकारों ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये 3.0 है, लेकिन नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ए 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, एआर वीआर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बिना हम अब जी नहीं सकते जी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गाड़ी, जिसको व्हीकल हम कहते हैं, जिसको हम बोला ये बिना ड्राइवर के चलेगी क्या? लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते, इसको हम जैसे स्टीम से भी पीछे नहीं गए लोग, आगे बढ़े। बिजली से भी पीछे नहीं गए, हाथ का काम होता रहा लेकिन बिजली ने अपना काम किया, लेकिन पीछे नहीं जा सके। हम आईटी से भी पीछे नहीं गए, आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ता गया। अब इंडस्ट्री 4.0 में जब हम प्रवेश कर गए हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसमें टेक्निकल सेशन हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाया जाए, इसमें आईओटी को समझाया जाए, इसमें एआर वीआर क्या उसको समझाया जाए। और ऐसे ही यहां राघवेंद्र जी बता रहे थे कि सेशन हुए हैं, आप लोगों से चर्चा हुई है, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट को करने के लिए पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अब मुझे बुलाया, कुछ लोग पूछते हैं भाई कानून मंत्री का क्या काम ऐसे मीट पे? कानून मंत्री का भी बहुत काम है जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने किस तरह का, आपको जरूरत थी उस तरह के कानून बनाए, जैसे कॉमर्शियल कोर्ट आपकी जरूरत थी। आप कहते थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जज नहीं है जो कॉमर्स को समझता हो, इंडस्ट्री को समझता हो, हमारे तो सेपरेट कॉमर्शियल कोर्ट होने चाहिए, बनाए। और उसमें 120 दिन की हमने शर्त भी लगा दी कि अगर अपोजिशन पार्टी अपना पक्ष 120 दिन में नहीं रख सकती है तो उसके बाद वो पक्ष रख ही नहीं सकती, इसलिए केस जल्दी सेटल होने लग गए, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद एक हम लाए आर्बिट्रेशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भी इंडस्ट्री के लोग और एंटरप्रेन्योर अपना आर्बिट्रेशन का केस सेटल कराने के लिए कोई हांगकांग जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई लंदन जाता है,
कोई दुबई जाता है वो भारत में ही क्यों नहीं करे? हमारा ही एंटरप्रेन्योर, हमारा ही वकील भारत का, वह लंदन जाकर के पैरवी करता है, वहां से अवार्ड आता है, तो फिर हम यहां क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया, गुजरात में गांधीनगर में हमने एक गिफ्ट सिटी बनाई है, कभी जाकर के देखना, जो हमें इंडस्ट्री 4.0 में जिसकी जरूरत है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में पूरे हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक मीडिएशन लॉ है, मीडिएशन लॉ की इस देश में हमेशा से ही जरूरत रही है। मुख्यमंत्री जी आप तो गांवों से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूं, गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो कोई गांव का पंच तय कर देता था, फिर गांव वाले कहते थे भी पंच ने तय कर दिया मान जाओ, इसका जुर्माना भी दो, उसको जो सजा है वो आप मानो, और मानते थे लोग। लेकिन अब दो भाई लड़ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म हुई, झगड़ा हो गया और दो लड़ रहे हैं, नीचे के कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इन दो भाइयों की एनर्जी कोर्टों में क्यों जाए? तो क्या करना चाहिए? ये दो भाई मिलकर के तय कर दें कि ये हमारा मीडिएटर है, ये जो फैसला कर देगा, ये जो फैसला कर देगा उसको हम मानेंगे, उसको कानूनी ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, किया है अभी मीडिएशन लॉ में अमेंडमेंट करके। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये जोर से बोल रहे हो आप, आपका काम जोरदार, ताली बजाओ भाई इनके लिए। एक हमें अननेसेसरी के कितने ही कानून थे जो हमने समाप्त किए, अननेसेसरी, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, नागरिकों के लिए भी परेशानी, आपके लिए भी परेशानी। अब आपकी फैक्ट्री है, अब आपकी फैक्ट्री में आप व्हाइट हाउस, खैर किसी जमाने में कोई रहा होगा विषय कि साहब व्हाइट हाउस नहीं करेंगे तो बीमारियां ज्यादा मजदूरों को महसूस करेगी, अब तो सारी चीजें व्हाइट हाउस होती है, लेकिन कोई इंस्पेक्टर गया उसने कहा आपने अपनी फैक्ट्री में व्हाइट हाउस नहीं कर रखा है तो आपकी फैक्ट्री में अगर आपने 3 दिन में नहीं किया तो मैं बंद करने का नोटिस चिपका देता है, वो ऐसे कानून थे। लेकिन किसी ने समाप्त करने का नहीं सोचा कि इन कानूनों की आवश्यकता अब नहीं है भाई, उसमें विश्वास करो, उसको कह कह दो अपना व्हाइट हाउस करेगा, उसका काम है। लेकिन सरकार क्यों इसमें बीच में पड़ रही है? अब फायर की चिमनी की हाइट, ये अब चिमनी की हाइट, ये ठीक है पॉल्यूशन के मामले में एक पैरामीटर, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आते गए, हाइट में भी चेंज आते गए, लेकिन एक कोई किसी ने कानून कभी बना दिया? आजादी से पहले कैसे काशे बहुत से कानून है जो नागरिकों को परेशान कर रहे थे, उद्योगपतियों को परेशान कर रहे थे। और अब आप देखिए, एक पोस्ट ऑफिस में एक ऐसा कानून था कि अगर आपने किसी को पोस्ट कार्ड डाला और एड्रेस सही नहीं लिखा तो आपको सजा हो जाएगी। अरे यार, नहीं लिखा तो नहीं लिखा सही, आपको सजा हो जाएगी। ये क्या कानून थे? तो ऐसे कई कानून थे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। वो कानून 1500 से ऊपर है, इसलिए मोदी है तो आपका ही तो जीवन आसान हो रहा है। ऐसे हमने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए जनविश्वास बिल लोकसभा से पास किया, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एक्ट में, अलग अलग विभागों में आपको एक कंप्लायंस करनी पड़ती थी, उसको अगर आप नहीं करोगे तो आपको सजा भी हो सकती थी, जेल भी हो सकती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एंटरप्रेन्योर पे विश्वास करो, व्यापारी पे विश्वास करो, ट्रेडर पे विश्वास करो, जो उद्योग धंधा कर रहा उस पे विश्वास करो, जहां वो देश के प्रमुख कानून को तोड़ करके नागरिकों को परेशान अगर होते हैं उस कानून को तोड़ने से, तो वो कुछ कानून तो रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो चले आ रहे थे, इसलिए उनको सबको समाप्त करके, और प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया जन विश्वास बिल, हम आप पे विश्वास करते हैं, मोदी है तो। तो आज के इन्वेस्टमेंट मीट पे ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। मैं थोड़ी स्वामी विवेकानंद जी की एक 3 भविष्यवाणी है, थोड़ा 5 मिनट और लूंगा, मुख्यमंत्री जी चलेगा क्या? 5 मिनट और, एक 3 भविष्यवाणी है, उनका जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में
भाषण देने गए, सबको पता है ना भाई आपको, वो थी वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, और उसमें भाषण देने के बाद बहुत फेमस हो गए। तो उनके पास ही एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है यूएस में, कुछ लोग यूएस से आए होंगे जानते होंगे, कुछ गए होंगे वो जानते होंगे। वहां लड़कों ने, जैसे आज हमें एक लॉ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बुलाया भाषण देने के लिए, ऐसे ही स्वामी जी को बुलाया, तो बहुत अच्छा भाषण दिया भारत के बारे में। तो भाषण के बाद एक महिला पत्रकार, उस समय प्रिंट मीडिया ही होता था, वो आई, स्वामी जी आपने भाषण तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपका देश आजाद कब होगा? अब आप देखिए 1895 में किसी साधु से, सन्यासी से ये प्रश्न करना कि आपका देश आजाद कब होगा, कठिन प्रश्न था ना, ये था या नहीं? बहुत कठिन प्रश्न था। तो स्वामी जी ने देखा क्या करें, तो स्वामी जी बैठ गए ध्यान में, ध्यान में बैठ गए, तो उसको लगा कि ये इनका जवाब नहीं देना चाहता है, तो वो टीज कर रही थी। स्वामी जी अंग्रेजी तो अच्छी जानते ही थे, कानों में पड़ रही थी उनके, लेकिन वो ध्यान में चले गए। ध्यान से उन्होंने तीन चीजें देखी, और जैसी वो महिला आगे चली गई, उसने देखा ये कुछ नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा नाउ कम नियर, नाउ आई कैन फोरकास्ट। तो उसने कहा क्या बोलो, तो स्वामी जी ने फोरकास्ट किया, बोला मैं तीन फोरकास्ट करूंगा, तीन भविष्यवाणी। उसने कहा मैंने एक ही पूछी है। कहने आपने एक पूछी है, मुझे तीन दिखी है। तो पहली क्या, मेरा देश 50 सालों के भीतर भीतर ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा 1895, और 50 साल के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, और इटली और चर्चिल में विवाद हुआ, और हमारा देश आजाद करने के नियम बना दिए, और 47 में आजाद हो गया। तो एक भविष्यवाणी सही हो गई, सही हुई कि नहीं बताओ भाई। दूसरी भविष्यवाणी, उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स 1816 में पैदा हुआ, ये स्वामी जी बोल रहे हैं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूं। लेकिन कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद वो महिला बोला मैंने तो एक ही पूछा था, बोला दूसरी सुन के दो। कार्ल मार्क्स के ठीक 100 साल बाद रशिया में एक क्रांति होगी, बोला काय की क्रांति होगी, बोला कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा या कुछ भी होगा, बोला रशिया में हो नहीं सकता, स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो, जर्मनी हमारा इंडस्ट्रियल देश है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देश, रशिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, रशिया में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्वामी जी की भविष्यवाणी सही हुई, और ठीक 1917 में, 1816 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, 1917 में रशिया में क्रांति हुई भाई साहब, ठीक 100 साल बाद। और उसी में एक भविष्यवाणी और जुड़ी हुई थी स्वामी जी की, कि ठीक 100 साल बाद ये जो मार्क्स की थ्योरी है जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 2017 आते आते ये भी समाप्त हो गया भाई साहब। जो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन करने वाले लोग हैं वो भी इंडस्ट्रियल मीट करते हैं, पहले वो मीट थोड़ी करते थे, बंगाल में भी होती है, केरला में भी होती है। तो स्वामी जी की भविष्यवाणी सही। तीसरी भविष्यवाणी जिसको लोगों ने कहा ये तो सही नहीं होगी, स्वामी जी ने वो तीसरी जो भविष्यवाणी की वो ये की थी, ध्यान से सुनना, 21वीं सदी भारत की होगी। कब बोल रहे हैं, 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में लड़कों के एक प्रोग्राम के बाद एक पत्रकार को कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो महिला पत्रकार कहती है स्वामी जी शायद आप भूल गए, आप 19वीं सदी में बात करते हो, बीच में 20वीं सदी भी आ गई है। कि मुझे 20वीं सदी नहीं दिखी, मुझे 21वीं सदी दिखी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिया विल बी, ये उनका कोट है, इंडिया विल बी इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली वर्ल्ड लीडर इन 21st सेंचुरी, हर हर महादेव। और अब मोदी जी के कालखंड में आपको स्वामी जी की जो तीन भविष्यवाणियां थी, जिसमें दो तो सही हो गई, वो तीसरी भी सही होने वाली है, और उसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि जैसे ही मैं थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो वो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी भी सही हो रही है, और उज्जैन स्पिरिचुअल टाउन भी है, तो स्पिरिचुअल लीडर इंडिया बने, उज्जैन उसको दिशा दिखाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये प्रोग्राम किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद, मेरे को भी बुलाया और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए भी आपको मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी सभी को प्रोत्साहित करने का। और जैसे आपने कहा कि फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास के साथ प्रौद्योगिकी का विकास इंडस्ट्री 4.0 को भी एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है, उसकी तरफ प्रोत्साहित करने का। और मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभावी कानून व्यवस्था और सुशासन का जो नया दौर शुरू हुआ है वो हमारे सामने रखने का। और यकीनन सभी यहाँ पर उपस्थित निवेशकों में वो संकल्प और वो विश्वास और अधिक परिपक्व हुआ है आपके संदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब इस इन्वेस्टर्स महाकुंभ के महानायक हमारे गतिशील प्रगतिशील कर्मठ यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उनके संबोधन के लिए, समापन संबोधन पर आगे की दिशा पर मध्य प्रदेश को ले जाते हुए संदेश। उज्जैन रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पहनावे से भारतीयता की सुगंध आती और मूल रूप से हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं और विक्रमादित्य काल की विशेषता ये हमने केवल सुनी सुनी के उनके नवरत्न होते थे और नवरत्नों के अपने अपने गुणधर्म देखो तो वो दुनिया में आज भी उस नाते से एक विशेष सम्मान से दुनिया उनको देखती है। महाकवि कालिदास, घटकर पर एक से एक बढ़कर के काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे ये लिख के दे सकता हूं। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने, माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़कर के इस जनतंत्र के काम में लगे और इस जनतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे, अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। इसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो, कभी कल्पना कर सकते अजीत डाभोल 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बनकर के दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है, यह एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा। आराम सब जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा, मोदी है तो ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है, अब आप अभी आप उस पर बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके, दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। कानून अंग्रेजों के हिसाब से जब कानून बनाते तो वो दंड देकर के अपनी ताकत का एहसास कराते थे। हमारे यहां तो हजारों साल से, और ये विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव का तीसरा दिन है, विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए और मूल रूप से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी से विक्रमादित्य विषय को चर्चा हुई लेकर के, तो आपकी भी वो अभी चूंकि आपने समय कम है और उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना वहां बोलना है तो वहां का समय ले लिया, लेकिन विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर के हमारी न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता, आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है तो, ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून और कितनी पिक्चरें देखी थी अपन ने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहां तो आंख भी अलग अलग मानी गई है, आंख तो खुलेगा लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देख रहा है। ये जो हमारी परंपरा है जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें। मेरे एक और मित्र यहां बैठे मंत्री हैं, गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है, और यहां उद्योगपति भी सारे बैठे हैं, श्री एच ई नीलेश कुमार जी,
श्री दिनेश पाटीदार जी शक्ति पंप्स वाले, आनंद बांगड़ जी हमारे जाम्बिया के, एची परसी पी चंदा जी आपका भी अभिनंदन है, हमारे निश्चल त्रिवेदी जी, अजीत कुमार जी, आलोक बिड़ला जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आशीष कंकारिया जी, पी अहलूवालिया जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद सुलेमान साहब, राघवेंद्र जी, पी नरिहरी जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ विधायकगण, कई सारे अलग अलग दायित्वान पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका एक साथ कितने अलग अलग प्रकार से संयोग से ये हमारी दो दिन के इन्वेस्टर्स समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया, आपने कहा भाप का एक समय मान लो, बिजली के आमंत्रण का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा, लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए हमने हवाई का भी एक मात्र खोला है, हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करें ही करें, यहां से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहां तक जाना चाहिए, और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है आज, हमने कहा कि इसलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे तो सरकार ने, तो काहे की सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण ये भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। इसकी एक छोटी सी कहानी कहकर के मेरे अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के किस्से ऐसे मानते कि विक्रमादित्य ने जो जीवन में किया है, बाद के काल में हर राजा विक्रमादित्य बनना चाहता था कि मैं विक्रमादित्य के समान, जिसने पुरुषार्थ पराक्रम और अपनी कुछ उपलब्धि हासिल की वो अपने आप को विक्रम के समकक्ष मानता है। तो अपने हमने सबने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, राजा भोज ने बहुत सारे प्रकार से अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की, दसों प्रकार के उनके गुण थे, उनकी पुस्तकें आज भी भोजपत्र में उनके लिखे गए सभी संदर्भ ग्रंथ सहित उपलब्ध है। तो विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जोड़ करके वो कहानी मानी जाती है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने जब राजा भोज जाते हैं तो 19वीं पुतली उनका कहती कि आप विक्रमादित्य के समान इस सिंहासन पे बैठना चाहते हैं तो आप बहादुर हैं, आप अपने युद्ध कौशल में दक्ष हैं, शस्त्रों शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन बताओ विक्रमादित्य की तरह आप आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी और सामने आमने की सेना में आपको युद्ध जीतना है, किसी कारण से युद्ध हारना नहीं, क्योंकि हारना विक्रमादित्य जानता नहीं, तो आप किस जगह पे खड़े होकर के युद्ध करोगे कि आप युद्ध जीतो और आप अपने उस युद्ध के जीत का आनंद भी लो। विक्रमादित्य के उस तरीके से सोचने में राजा भोज ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूं कि अगर आमने सामने की सेना खड़ी है और सेना भी बड़ी संख्या में है और युद्ध मुझे जीतना है तो मैं कहां, उन्होंने कहा आप कहां खड़े होकर के युद्ध का नियंत्रण करोगे, संचालन करोगे? तो पुतली से राजा भोज सोच समझ के जवाब देते कि देखो भाई, मैं युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध जीतने का आनंद भी लेना है, और ये जो हथियार होते हैं ये सैनिक और राजा में फर्क नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से मुझे वहां खड़ा होना पड़ेगा कि युद्ध में मेरे सैनिक मुझे ठीक से देख भी सके ताकि उनका हौसला बना रहे, और दूसरा कि युद्ध मुझे जीतना है तो मैं इस स्थिति में भी जाऊंगा कि जब मैं किसी भी स्थिति में दुश्मन के किसी हथियार का मेरे पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसी स्वाभाविक रूप से डिस्टेंस भी रखूंगा और फिर युद्ध का संचालन करूंगा। उन्होंने कहा हो गया काम खत्म। बोले क्यों? बोला आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा वही कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूं, पर ये बताओ कि मेरे और विक्रमादित्य में क्या अंतर है? क्या विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो ये सारी बातों का विचार करे? बोले नहीं, विक्रमादित्य वो बुद्धिमान तो है जितना आप बता रहे हो, लेकिन आपसे भी आगे वाले हैं। बोले आगे वाले कैसे हैं? बोले फर्क इतना ही है, विक्रमादित्य ने कहा कि जन्म के बाद मौत कितनी बार आती है? मौत एक ही बार आती है, और जैसे आपने कहा कि मैं यहां खड़ूंगा तो मरूंगा और यहां खड़ूंगा तो नहीं मरा हुआ, ये खड़ा होने का जो आपने अंतर कर लिया इसका मतलब है आपके अंदर डर आ गया, और जहां डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता, जो निडर है वही विक्रमादित्य हो सकता।
ये हमारे लिए कितने बड़े बड़े उदाहरण है, कितने बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के संदर्भ हैं जिनके माध्यम से हम सारी बातों को अपने जीवन में भी अंगीकार कर सकते, धारण कर सकते। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी, ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती है। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है, तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे ही समय समाप्त होगा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के निर्माता कौन है, ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है, जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संचार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हरेक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हरेक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो, इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक नए भविष्य, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश राठौड़ जी को, ईडी एमपीआईडीसी उज्जैन, कि वे धन्यवाद प्रस्ताव रखें। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की नगरी, धर्म और संस्कृति की नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सदियों से उज्जैन साधु संतों महापुरुषों के सामूहिक सम्मेलनों का साक्षी बनता रहा है, किंतु पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उज्जैन देश और विदेश के सभी प्रमुख उद्योग मनीषियों के सामूहिक सम्मेलन का भी कुंभ बना है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी भागीदारों ने अपना संपूर्ण योगदान किया है। समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं भगवान महाकाल के चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनकी शक्ति और आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम सफल हो सका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनकी दूरगामी सोच, उद्योगों के प्रति सकारात्मकता और प्रोएक्टिव विजन के चलते रीजनल लेवल पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करने की पहल हुई है और पहली भव्य कॉन्क्लेव उज्जैन शहर में संपन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय गौतम टेटवाल जी, आदरणीय मोहम्मद सुलेमान जी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह सर, पी नरहरि साहब और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र में कल जो समस्त मंत्रीगण, सांसद, विधायक पधारे थे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए उस आयोजन के हर एक घटक को मूर्त रूप देने वाले लोग होते हैं, जो कि अपनी मेहनत से सभी हम सभी के लिए इस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि एक भव्य कार्यक्रम आयोजन हो सके। इसके लिए मैं एमपीआईडीसी के हमारे प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके स्पष्ट मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम ने अपने अपेक्षित लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है। साथ ही मैं एमपीआईडीसी की पूरी टीम, जिला प्रशासन के अधिकारियों, हमारे इवेंट पार्टनर सीआईआई, हमारे नॉलेज पार्टनर ईएनवाई, यहां पर लगे हुए कहीं
वॉलेंटियर, डिजाइन एजेंसी, प्रोडक्शन टीम का भी धन्यवाद देता हूं, जिनके हर अधिकारी हर कर्मचारी ने अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सबसे अंत में इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे लिए तैयार करने वाली एजेंसी मेरो फार्म का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस उद्योग कुंभ मैदान को एक शानदार वेन्यू में परिवर्तित कर दिया है, जहां एकत्रित होकर हम सभी इस भव्य आयोजन का गरिमामय उपस्थिति में समापन कर पा रहे हैं। इस तरीके से बड़े से आयोजन में हर व्यक्ति अपने स्तर से कुछ ना कुछ योगदान देता ही है, तभी जाकर ही ऐसे आयोजन सफल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति किसी एजेंसी का मेरे द्वारा उल्लेख नहीं किया जा सका है तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की औपचारिक घोषणा करता हूं। आप सभी यहां पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिव्य सजनो, इस कॉन्क्लेव के इस अध्याय को यहाँ समाप्त करती हुई आइए हम सहयोग और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाते हुए यहाँ जो संबंध बने हैं फलदायी साझेदारियों में उसे विकसित करें, और यहाँ जो चर्चाएं हुई हैं उन्हें हमारे उद्योगों और राज्य के अभूतपूर्व विकास की दिशा में आगे लेके जाएं। और